Brought to you by Techno Camon 30 Series. लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में इंडिया और एनडीए को कितनी सीटें आएंगी, इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान अभी भी जारी है। इस बीच राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के इस चुनाव में 400 पार नारे को लेकर बड़ा अनुमान लगाया है। योगेंद्र यादव ने ऐसा अनुमान लगाया कि कांग्रेस नेता शशि थरूर खुश हो गए। क्या कुछ उन्होंने अनुमान लगाया, दोनों ने एक दूसरे पर क्या कुछ कहा है, वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में 272 सीट के पार नहीं जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 50% बहुमत चाहिए होता है, मतलब बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। लेकिन योगेंद्र यादव के अनुमान के अनुसार बीजेपी 272 सीटों के पार नहीं जा रही है। योगेंद्र यादव के इस अनुमान पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी। शशि थरूर ने योगेंद्र यादव के ट्वीट को शानदार बताया। साथ में उन्होंने एक्स पर उनके ट्वीट को पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे खुशी है कि योगेंद्र यादव ने अपने पहले के अनुमानों को संशोधित किया है, अपडेट किया है। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को 272 सीटों से कम सीटें मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 250 सीटों तक नीचे जा सकती है, लेकिन अगर अंडर करंट मजबूत है तो फिर नंबर 230 तक भी गिर सकती है। तो वह एनडीए के बाकी सदस्यों के समर्थन के साथ 272 के बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी आने वाला समय दिलचस्प है। ये शशि थरूर ने एक्स पर लिखा। शशि थरूर ने योगेंद्र यादव के आंकड़ों को लेकर ये बात कही है। उसके बाद शशि थरूर के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए योगेंद्र यादव ने लिखा कि मैंने कोई अपडेट नहीं किया है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि बीजेपी 272 पार नहीं करेगी, 250 के आसपास और 230 से नीचे भी गिर सकती है। कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि कई दोस्तों ने मेरा आखिरी वीडियो देखा था, जहां तक एनडीए सहयोगियों का सवाल है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी आधी संख्या लगभग 20 टीडीपी जैसे पार्टियों से हो सकती है, जिनका इस चुनाव के बाद बीजेपी के साथ कोई अस्थायी संबंध नहीं है। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के साथ ही दो संभावनाओं पर बात करते हैं कि बीजेपी 30-40 सीटों से दूर रह गई, तो इंडिया के साथ ही इंडिया गठबंधन में यह भी कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं, और अगर बीजेपी 210 सीटों के करीब जाती है तो फिर एनडीए गठबंधन 250 तक रह जाएगा। ऐसे में वैकल्पिक सरकार आ सकती है। शशि थरूर ने इससे पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बड़ी जीत का भी दावा किया था। लोकसभा चुनाव के बीच में जीतने वाली सीटों पर योगेंद्र यादव ने भी कहा कि मैं पिछले 8 हफ्ते से कह रहा हूं कि बीजेपी 272 पार नहीं कर पाएगी, छठे फेज के बाद यह आंकड़ा और भी नीचे जाता दिख रहा है। पिछले 7 दिनों में कई एक्सपर्ट के तेवर बदलते दिख रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स आने के बाद अब बहस 400 पार नहीं बल्कि 300 के पार को लेकर शुरू हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात और बिहार में अंडर करंट उससे लगता है कि बीजेपी 210 पर ही सिमट जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर बीजेपी 210 पर रुकती है तो फिर इंडिया गठबंधन 272 पार पहुंच जाएगा, यानी कि बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन छू सकता है। आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर कहा था कि क्या आपको इतने लोग इसलिए चाहिए ताकि सब मिलकर संविधान को बदल सके, इसका मतलब हमारे देश के लिए यह बहुत ही खतरनाक है और लोगों का हक सुनिश्चित करने के लिए बदलाव जरूरी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अब आखिरी फेज का चुनाव बाकी है और 1 जून को आखिरी फेज के चुनाव होंगे, उसके बाद एग्जिट पोल आएंगे और 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो फिर पता चल पाएगा कि आखिर कौन कितने पानी में है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।